कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है, वहाँ पे जिस माँ की स्थापना की गई है वो है दक्षिणा काली, यानी कि दक्षिणेश्वर काली। हमारे बहुत बड़े संत रामकृष्ण परमहंस, उनको माँ के जिस स्वरूप का साक्षात्कार हुआ वो दक्षिणेश्वर काली ही थी। देखिए, शास्त्र में माँ के यानी कि महाकाली के मूल 8 स्वरूप दिए गए हैं। कामकला काली, हंस काली, गुह्य काली, संतति प्रदा काली, स्पर्शमणि काली, दक्षिणा काली इत्यादि इत्यादि। और 3 प्रधान स्वरूप हैं, भद्रकाली, शमशान काली और महाकाली। महाकाली जो है वो माँ का महाविद्या स्वरूप है। बाकी के नाम भी बहुत प्रचलित हैं, जैसे कि भद्रकाली माँ का सौम्य स्वरूप, माँ का शांत स्वरूप जो है वो भद्रकाली के नाम से प्रचलित है, जिनकी उपासना हम घर में कर सकते हैं, जिनकी साधना पूजा अर्चना वगैरह जो है वो हम घर पे कर सकते हैं। और शमशान काली यानी कि माँ का महारौद्र स्वरूप। शमशान काली की उपासना घर में नहीं हो सकती, क्योंकि वो माँ का एक ऐसा रौद्र स्वरूप है जिनकी आप साधना जो है वो शमशान जैसे कोई ऐसे स्थान पर ही कर सकते हो जहाँ पे सारी अलग अलग ऊर्जाओं का वास होता है। तो महाकाली की दक्षिणाचार उपासना भी होती है और वामाचार साधना भी होती है। दक्षिणाचार यानी सात्विक द्रव्यों के साथ माँ की जब उपासना की जाए तब वो दक्षिणाचार साधना कही जाती है। और जब पंचमकार के साथ यानी कि मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और मदिरा, इनके साथ जब आप साधना उपासना करते हैं तब वो माँ की वामाचार साधना होती है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हमें ये भी आते हैं कि अगर हमें वामाचार उपासना करनी है, माँ की साधना करनी है तो कैसे कर सकते हैं। हर बार मेरा एक ही उत्तर रहता है कि पहले मात्र और मात्र दक्षिणाचार साधना का मार्ग ही अपनाइए, और बाद में जब आपको एक योग्य गुरु की प्राप्ति हो जिन्होंने दक्षिणाचार और वामाचार दोनों मार्ग से महाकाली की उपासना की हो, साधना की हो, उनके मार्गदर्शन से ही आप आगे जाकर वामाचार साधना को अपनाइए। क्योंकि वामाचार एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे आपको कदम कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, और ये मार्गदर्शन वही गुरु आपको दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं उस मार्ग पर चलते हुए माँ का साक्षात्कार किया हो। इसलिए आज के समाज की जो सारी एक व्यवस्था सेटअप की गई है, जो एक आप अभी ट्रेंडिंग चीज़ें देख रहे हैं, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी कुछ भी विधि विधान उठाकर अपने आप से कोई साधना शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। विधि विधान के साथ जो शास्त्र में साधनाएँ दी गई हैं उनके साथ जहाँ पर आपको साधना प्राप्त करने का वो परफॉर्म करने का अवसर मिल रहा है, वहाँ पे आप ये साधना कर सकते हैं। जैसे कि साधना ऐप, साधना ऐप पर 150 से ज़्यादा आपको जागृत मंत्र दिए गए हैं ओम स्वामी के द्वारा, जो भी उनके पूर्वाश्रम में और उनकी साधना काल के दौरान संन्यास के बाद उन्होंने जो साधनाएं स्वयं की थी, जिन मंत्रों को उन्होंने जागृत किया था लाखों बार उच्चारण के पश्चात, सुदीर्घ साधना के बाद वो सारे मंत्र और उनकी साधना, चाहे वो तंत्र साधना हो या फिर मंत्र साधना हो, वो वहाँ पे यानी कि साधना ऐप पर आपको दी गई है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है, अगर आपको ये दुविधा है, ये संशय है कि हम कौन से मार्ग पर आगे बढ़े, आप सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ये जो साधना ऐप पर अलग अलग साधनाएं दी गई हैं, वहाँ पे महादेव, महादेवी, माँ दुर्गा, माँ गायत्री, गणपति, राम, कृष्ण, हनुमान, भगवान सूर्य, इन सभी की साधना दी गई है। इतना ही नहीं, जो नवग्रह मंदिर वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे आपके पास अलग अलग ग्रहों के हिसाब से मंत्र भी दिए जा रहे हैं जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं अपने नित्य जीवन के दौरान। तो फिर से महाकाली के टॉपिक पर आते हैं, ये हम थोड़ा कहीं और चले गए थे, लेकिन ये ज़रूरी भी इसलिए था क्योंकि जो भी लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें वहाँ पर जाना है यानी कि वामाचार पर जाना है, उनको ये कहना आवश्यक था कि पहले दक्षिणाचार साधना जो है वो तो सही तरीके से, सही माध्यम से आप करना सीख लीजिए, उसके बाद आगे का सोचिएगा जो एडवांस्ड स्तर की साधनाएं होती है। बाकी के सब नाम तो हमने उसकी चर्चा तो कर ली,
भद्रकाली क्यों कहा जाता है माँ को, शमशान काली क्यों कहा जाता है, क्यों माँ को संतति प्रदा काली कहा जाता है। संतति प्रदा यानी जो माँ आपको संतान प्राप्ति के लिए मदद कर सकती हैं, वो वरदान दे सकती हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान कर सकती हैं, वो है संतति प्रदा काली। तो ऐसे अलग अलग माँ के स्वरूप दिए गए हैं, लेकिन दक्षिणा काली में माँ का नाम दक्षिणा ही क्यों पड़ा, उसका एक बहुत ही सुंदर कारण है। दक्षिण जो दिशा है यानी कि जो साउथ का डायरेक्शन है, वहाँ पे यम का वास है, यम यानी मृत्यु के देवता, और स्वयं यम भी जिनसे डरते हैं, जिनसे भयभीत होते हैं, वो है माँ दक्षिणा काली। और इसी वजह से माँ को वहाँ पे एक नाम दिया गया दक्षिणा काली। दूसरा एक कारण ये भी है कि जैसे कोई भी साधना दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, जैसे कि हमने पिछले समय में नवदुर्गा साधना की थी, हमने दुर्गा साधना का एक कैंप रखा हुआ था, हमने उच्छिष्ट गणपति की साधना की थी, आने वाले समय में हम जो दशाक्षरी मंत्र साधना है महाशिवरात्रि को, उसके लिए एक वीडियो बनाया है। इन सारे वीडियोस के अंदर हमने दक्षिणा के महत्व के बारे में सुदीर्घ बातें की हैं। दक्षिणा यानी कि दान धर्म के बिना आपका आध्यात्मिक कार्य पूर्ण ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार दक्षिणा देने से एक इंसान, एक मनुष्य के जीवन में उनके आध्यात्मिक कार्य को पूर्णाहुति प्राप्त होती है, वैसे ही दक्षिणा काली जो है वो सभी प्रकार के कर्मों को सिद्धि प्रदान करती है, आपकी साधना को सिद्धि प्रदान करती है। और इसी वजह से माँ का एक नाम जो है वो रखा गया दक्षिणा काली। यहाँ पे लोगों के ये भी प्रश्न बहुत आते हैं कि हम जब महाकाली की बात करते हैं, जब हम अन्य रौद्र स्वरूपों की बात करते हैं, वहाँ पे उनका वास, उनका निवास स्थान शमशान ही क्यों बताया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय कारण जो है वो जिम्मेदार है। शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे चिता भस्म होती है, जहाँ पे पंच महाभूत से बना जो देह है, जो शरीर है, वो भस्मीभूत हो जाता है। वहाँ पे आपका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो नष्ट हो जाता है। वैसे ही जो स्थान हमारे हृदय में है माँ का, माँ हमारे हृदय में वास करती है। मैंने पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा था कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे हृदय में, हमारे अंतर में, हमारे चित्त में निवास करते हैं। हमें सिर्फ उनको देखना होता है और वहाँ तक पहुँचने की क्रिया जो है, प्रक्रिया जो है, वही है साधना। तो माँ जो है वो हमारे हृदय में वास करती है, महाकाली, और उसी हृदय में, उसी अंतर में हमें हमारे जितने भी विकार हैं, जितनी भी हमारी वृत्तियाँ यानी कि टेंडेंसीज जो हैं वो नष्ट करनी होती है। हमारा अहंकार, ईर्ष्या, मद, मोह, मात्सर्य, ये जो सारे अलग अलग भाव हैं, जो विकार हैं, काम, वासना, लालच, लोभ, ये सारी वृत्तियाँ, ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो हमें माँ की साधना से भस्मीभूत करने का अवसर प्राप्त होता है, और वो आप कर सकते हैं अपने हृदय के शमशान रूपी निवास स्थान में। अगर आप उस हृदय में माँ को स्थापित करते हैं तो वही बन जाता है आपका शमशान, जहाँ पे आप अपने अलग अलग विकार और वृत्तियाँ जो हैं वो समय के साथ साधना की यात्रा के दौरान नष्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से माँ को शमशान वासिनी कहा गया है। तीसरा एक कारण यह है कि दक्षिणा काली को दक्षिणा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये कहा जाता है तंत्र शास्त्र के हिसाब से कि जो दक्षिणा काली थी उनकी सर्वप्रथम उपासना, उनकी साधना जो है वो दक्षिणा मूर्ति भैरव ने की थी, और इसी वजह से उनका नाम रखा गया दक्षिणा काली। चौथा एक कारण यह है कि ये कारण शायद हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं लेकिन इसकी ओर देखना भूल जाते हैं। पुरुष को दक्षिण कहा गया है और स्त्री को वामा कहा गया है, इसी वजह से माँ पार्वती का जो एक नाम है वो है वामांगी, जो भगवान महादेव, देवादिदेव के वाम यानी कि लेफ्ट पार्ट पर विराजमान है वो है वामा, वामांगी माँ पार्वती। जब वामा ने दक्षिण पर विजय प्राप्त किया यानी कि माँ पार्वती ने महादेव का हृदय जीता अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, उस वक्त पे उस विजय के कारण उनको नाम दिया गया दक्षिणा काली।
तो ये भी एक बहुत सुंदर और बहुत ही मार्मिक कारण जो है वो हमें तंत्र शास्त्र में से प्राप्त होता है। दक्षिणा काली जो है वो मोक्ष प्रदायिनी है, पाप मोचिनी है, और इसी वजह से उनको दक्षिणा काली के नाम पर जो है वो पूजा जाता है। उनकी साधना तीन भाव के साथ होती है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। देखिए, मनुष्य जो है वो इस संसार का सर्वोत्तम पशु है, और इसी कारण से दक्षिणा काली की जो उपासना है वो पशु भाव के साथ ही सारे साधक जो है वो कर सकते हैं। और वीर भाव तथा दिव्य भाव जो है वो साधना के उन्नत अंग हैं, और ये दोनों भाव के साथ साधना करने के लिए आपके पास गुरु का होना आवश्यक माना गया है। और इसी वजह से दिव्य भाव और वीर भाव के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। पशु भाव के साथ माँ की साधना हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा मनुष्य जो है वो सर्वोत्तम पशु है। हमने शुरुआत में जो माँ का एक सुंदर श्लोक कहा, जिनमें माँ के स्वरूप का वर्णन दिया गया है, कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। कराल वदनाम घोराम, जिनका वदन यानी कि जिनका मुख वो विकराल है, वदन यानी मुख, कराल यानी विकराल, उनका स्वरूप इतना घोर है। कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी चतुर्भुजाम, मुक्त केशी यानी जिनके केश, जिनके बाल मुक्त हैं, जिनकी केश जो है वो हवा में लहरा रहे हैं। चतुर्भुजाम, जिनके चार हाथ हैं, चतुर्भुजा हैं जिनकी, जिनकी चार अलग अलग भुजाओं में शस्त्र एवं मुद्राएं करी गई हैं, वो है महाकाली। कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम, मुंड यानी अलग अलग खप्पर जो रहते हैं, जो ह्यूमन स्कल होते हैं, उसे कहा गया है मुंड। उसकी जो माला है वो माँ ने आभूषण के तौर पर धारण की है, मुंडमाला विभूषिताम। तो ये जो श्लोक जिसका हमने उच्चारण किया, वो श्लोक आपको प्राप्त होगा दक्षिण काली के ध्यान मंत्र से। और अगर आप चाहते हैं तो माँ दक्षिण काली का जो स्तोत्र है, खड़गमाला स्तोत्र, उसका भी आप पठन कर सकते हैं अपने रेगुलर लाइफ के दौरान, अपने नित्य पूजा में आप उसका पठन कर सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। और माँ काली का जो गायत्री मंत्र है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि गायत्री मंत्र जो है वो 28 प्रकार के होते हैं। हमें जिस मंत्र के बारे में सबसे ज़्यादा पता है वो है सवितुर गायत्री मंत्र, लेकिन इसके अलावा भी सारे देवी देवताओं के गायत्री मंत्र होते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र, हनुमान गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र, ब्रह्मा गायत्री मंत्र, राम गायत्री मंत्र, कृष्ण गायत्री मंत्र, उसी तरह माँ काली का जो गायत्री मंत्र है वो भी हमें शास्त्र में से प्राप्त होता है। कालिकाये विद्महे श्मशान वासिन्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। और माँ काली की जो उपासना है वो अलग अलग क्रम के साथ की जाती है, आदि क्रम, कादि क्रम, सादि क्रम, नादि क्रम, दादि क्रम, प्रणवादि क्रम। ये क्रम क्या है और इनकी साधना कैसे हो सकती है, उनके बारे में तो अभी हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ। जैसे कि कादि क्रम, कादि क्रम में माँ का जो मंत्र होता है उनकी शुरुआत जो है वो क अक्षर के साथ, क वर्ण के साथ होती है। फिर जैसे कि अगर आप नादि क्रम से माँ की अर्चना कर रहे हैं तो वहाँ पे मंत्र की शुरुआत जो है वो न वर्ण के साथ होती है। वैसे ही अगर आप प्रणवादि क्रम के साथ माँ की उपासना कर रहे हैं तो वहाँ पे ओम कार के साथ जो है उस वर्ण के साथ, प्रणव बीज के साथ माँ का मंत्र जो है वो शुरू होता है। वैसे ही दादि क्रम जो है वहाँ पे मंत्र की शुरुआत द वर्ण से होती है, और सादि क्रम जो है वहाँ पे मंत्र की शुरुआत जो है वो स वर्ण के साथ होती है। तो ऐसे ही अलग अलग क्रम के साथ उपासना होती है, साधना होती है, और ये साधना आप को तभी करनी चाहिए जब आपके गुरु का आदेश हो। अदरवाइज आप अपने घर में अगर माँ की उपासना करना चाहते हैं तो आप भद्रकाली माँ को स्थापित कर सकते हैं, माँ के सौम्य स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, माँ का जो दक्षिणाकाली स्वरूप है, जो माँ का शांत स्वरूप है, जो स्वरूप कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली में विद्यमान है, उस माँ की आप उपासना कर सकते हैं। अब माँ का जो काली गायत्री मंत्र है, ओम कालिकाये विद्महे श्मशान वासिन्यै च धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात। ये जो मंत्र है माँ का गायत्री मंत्र, उसका भी उच्चारण आप अपनी नित्य पूजा में घर पर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे मेरी आपसे एक ही विनती है, अगर आप एक नए साधक हैं, अगर आपने साधना की यात्रा पर चलना शुरू ही किया है, तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश की एक तंत्र साधना करनी चाहिए और उसके बाद आपको माँ गायत्री की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद आपको जहाँ पे भी आपके इष्ट लेकर जाए वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात, अगर आपको महाकाली के बारे में और 10 महाविद्याओं के स्वरूप के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो हमारी एक पुस्तक, हमारी एक डेब्यू नॉवेल जो है वो आने वाले दिनों में रिलीज़ होने वाली है, जिसका प्री बुकिंग शुरू हो चुका है अमेज़ॉन पर, जिनका नाम है मृत्युंजय महाअसुर सीरीज़ पार्ट 1। और इस पुस्तक में, इस कथा में हमने तंत्र शास्त्र के, तंत्र विद्या के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया है। अगर आप आगे जाकर महाविद्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप आगे जाकर श्री विद्या साधना के बारे में जानना चाहते हैं, महादेव के अघोर अंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज़ हैं, इनके जो 5 पार्ट्स हैं, वो आने वाले समय में रिलीज़ होने वाले हैं। लेकिन पहला पार्ट पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा रिलीज़ होने जा रहा है बहुत ही थोड़े दिनों में, और उसकी जो प्री बुकिंग लिंक है वो अमेज़ॉन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप तंत्र शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो आपको वो किताब, वो जो नॉवेल है, वो अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा के माध्यम से आपको तंत्र शास्त्र वहाँ पे दिया जाएगा। सो, मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि अगर आपके घर में कोई नई पीढ़ी है, कोई बच्चे हैं जो जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, जो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना चाहते हैं, अगर आप अपने संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं, तो आई फर्मली बिलीव ये किताब, ये जो सीरीज़ है, वो कथा के माध्यम से, एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको वो कार्य करने में मदद करेगी। और इतना ही नहीं, जो भी साधक, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, उनके लिए ये जो नॉवेल है वो एक ट्रीट समान साबित हो सकती है। और हमने इसके लिए बहुत काम किया है, बहुत वर्षों की मेहनत इसके ऊपर लगाई गई है। भारत के लिटरेचर वर्ल्ड में आप जितने भी किताबें देख रहे हैं, वहाँ पे जो नॉवेल्स आ रही हैं, चाहे वो आध्यात्मिक नॉवेल्स हो, या फिर वो माइथोलॉजिकल नॉवेल्स हो, या फिर वो रामायण महाभारत के ऊपर कोई नवल कथाएँ हो, तंत्र को केंद्र में रख के, तंत्र को फोकस पॉइंट में रख के, ऐसी एक भी नवल कथा, ऐसी एक भी नॉवेल नहीं आई है जहाँ पे मात्र अघोर के बारे में बात की गई हो, जहाँ पे मात्र महाविद्याओं के बारे में बात की गई हो, जहाँ पे मात्र तंत्र शास्त्र के बारे में बात की गई हो, तंत्र साधना के बारे में बात की गई हो। और इसी वजह से मेरा ये दृढ़ता के साथ मानना है कि अगर आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो पुस्तक है वो एक गाइड के समान, यानी कि एक मार्गदर्शक के समान साबित हो सकता है। और कथा हम सबको पढ़नी अच्छी लगती है, स्टोरी हम सबको पढ़नी अच्छी लगती है। सो इफ़ यू आर इंग्लिश रीडर, इफ़ यू आर एन एविड रीडर, सो ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित हो रही है, वो आप ज़रूर प्री बुक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये बात ज़रूर पहुँचाएगा। आने वाले समय में अन्य महाविद्याओं के बारे में भी हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं, एपिसोड्स जो हैं, वो लाने वाले हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।